तो बच्चों ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ये बोल रहा है कि वुडन पोल है। अब वुडन पोल है तो हॉलो तो होगा नहीं, पूरा का पूरा लकड़ी का होगा, पूरा पोल लगा हुआ, तो ये पूरा लकड़ी का पोल है, ठीक है, सॉलिड पोल है ये लगा हुआ है। इसकी हाइट है 7 मीटर और इसका डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका वेट निकालो, ठीक है, फाइंड इट्स वेट, इसका वेट निकालो। अगर कि जो वुड का वेट है, वो वुड का जो वेट है, इफ़ वुड का वेट इज़ 225 kg/m³। तो सिंपल, पहले मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो वी विल गेट आवर आंसर कि इसका कितना वेट होगा, राइट। तो वॉल्यूम सबसे पहले जो रेडियस है बच्चों कितना है, रेडियस दे रखा मुझे 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20/2 20 दे रखा, सॉरी सॉरी डायमीटर दे रखा मुझे, डायमीटर मुझे 20 दे रखा, तो रेडियस क्या होगा बच्चों 20/2, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और हाइट है मेरे को 7 सेंटीमीटर की दे रखी, तो सीधे सीधे मैं क्या करता हूँ बच्चों इस पर, अब इसको मुझे मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 0.1 मीटर, तो जो उसका रेडियस है वो 0.1 मीटर है। तो वॉल्यूम निकालता हूँ पहले मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों, πr²h, पाई है बच्चों 22/7 इंटू रेडियस है बच्चों कितना, 0.1 × 0.1 इंटू हाइट है मेरे पे 7, पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो लगा दिया, 0 से 0, तो बच्चों जो वॉल्यूम हो गया मेरे पे कितना हो गया 22/100, तो वॉल्यूम ऑफ हो गया मेरा 22/100 m³। अब 1 m³ का वेट इतना है, तो भाई इतने मीटर क्यूब का वेट कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो मेरे पे जो आंसर आने वाला है, वेट ऑफ वुड, वेट होगा बच्चों 22/100 इंटू 225, ठीक है। तो इसका इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको बच्चों 49.5 kg। तो जो उसका पोल का जो वेट है वो है 49.5 kg। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि मेंसुरेशन में कितना इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं है, वो बोलते हैं हम यार क्या करना है, ठेकेदार को बुला लेते हैं, अरे खुद भी कर सकते हो आप, ये बहुत इजी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं।